हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम ग्रुप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जो भी हमने सीखा था अब तक, कि हम किसी को ग्रुप कैसे कह सकते हैं। तो एक बार उसको एक थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि अगर कोई भी एक ग्रुप है, जी नॉट इज ए ग्रुप इफ, और हमें याद है कि चार कंडीशंस था जिससे कि जी नॉट एक ग्रुप होगा। तो एक बार उसे भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि जी नॉट इज ए ग्रुप इफ जी इज क्लोज्ड अंडर नॉट। ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन था कि नॉट इज एसोसिएटिव ऑन जी। थर्ड कंडीशन था एक्चुअली कि जी कंटेन्स एन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। और हमारा जो फोर्थ कंडीशन था वो था फॉर ईच एलिमेंट ए इन जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए डैश इन जी सच दैट ए नॉट ए डैश इक्वल्स टू ए डैश नॉट ए इक्वल्स टू ई। तो एक बार फर्स्ट वाला हम इसको एक बार देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। फर्स्ट जो कंडीशन था इसका मतलब था कि अगर ए बी जी का एलिमेंट हो तो ये इम्प्लाई करे ए नॉट बी जो हो रहा है वो भी जी का एलिमेंट है। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन का मतलब है। सेकेंड कंडीशन का मतलब है नॉट इज एसोसिएटिव ऑन जी, मतलब तीन एलिमेंट जी के ए बी सी के लिए अगर ए नॉट बी नॉट सी, अगर ये इक्वल्स होता है ए नॉट बी नॉट सी तो हम इसे कहेंगे एसोसिएटिव। थर्ड जो यहाँ पर कंडीशन है उसका मतलब है कि एक एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, जिसके लिए कोई भी एक एलिमेंट ए, यहाँ पर ये है आइडेंटिटी एलिमेंट, इसके लिए कोई भी अब एक एलिमेंट जिसे लो और ये कुछ ऐसे हो कि ई नॉट एक्वल्स टू ए नॉट ई इक्वल्स टू ए। ये है हमारा थर्ड वाला कंडीशन का मतलब। और फोर्थ वाला जो कंडीशन है यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट ए जी में बिलोंग करे तो ये इम्प्लाई करेगा एक ए डैश भी जी में इम्प्लाई करेगा, जी में बिलोंग करेगा, जिसके लिए ए नॉट ए डैश इक्वल्स टू ए डैश नॉट ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट हो हमारा। इसका मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट। ये है ग्रुप। और इसके लिए उसके साथ एक और एक कंडीशन मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि हम उसे एक ग्रुप कहेंगे अगर ये चारों कंडीशन फॉलो करे तो, और इसको हम एबेलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप कहेंगे अगर ए बी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाई करे ए नॉट बी और बी नॉट ए हो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो अगर कोई भी ए बी जी में है इसके लिए ए नॉट बी इक्वल्स टू बी नॉट ए हो तो हम कह सकते हैं देन जी इज कॉम्यूटेटिव ग्रुप और एबेलियन ग्रुप, कॉम्यूटेटिव ग्रुप और एबेलियन ग्रुप। तो इसके बाद हम मूव कर जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे होने वाला है कि एग्जामिन इफ द फॉलोइंग सिस्टम्स आर ग्रुप्स। बताओ कि ये जो भी दिया हुआ होगा तीन चार क्वेश्चंस, तो बताओ ये ग्रुप्स है कि नहीं। तो हम प्रूव करेंगे। ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि यहाँ पर जेड नॉट, हमें दिखाना है कि जेड नॉट एक ग्रुप होता है कि नहीं, जहाँ पर ए नॉट बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस वन है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी जो जी में है, जी नहीं जेड, सॉरी जेड, जेड नॉट एक ग्रुप है या नहीं जहां पर ए बी जेड में बिलोंग करता है। जेड मतलब इंटीजर का जो सेट होता है हमारा। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे और जो चार रूल हमने दिखाया था तो हम उसी चार मतलब जो कंडीशन था हमारा चार कंडीशन, तो एक एक करके हम देखेंगे। स्टार्टिंग से करेंगे, पहला वाला एक नंबर वाला जो क्लोज था, सेकेंड वाला एसोसिएटिव वाला प्रॉपर्टी, थर्ड वाला वो आइडेंटिटी एलिमेंट वाला, और फोर्थ जो है वो
एडेस ए एंड एडेस वाला जो भी था हमारा, तो अगर कोई भी एक कंडीशन ये फॉलो नहीं करेगा तो हम तभी कह देंगे नहीं ये एक ग्रुप नहीं है। तो देखते हैं कि कैसे करते हैं इसे सॉल्व। तो हम पहले दो एलिमेंट लेंगे जेड से, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, ओके, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, देन ए नॉट बी क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस वन, ओके, सो ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड, इम्प्लाई करेगा कि ए प्लस बी प्लस वन बिलोंग्स टू जेड, ओके, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जेड जो है एक क्लास के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, इसीलिए ये छोटा सा चीज़ आप याद रखो, कभी भी कोई भी एलिमेंट अगर आप जेड से लेते हो, ए बी बिलोंग्स टू जेड, और हमें पता है कि वन ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, सो यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू जेड, ये इम्प्लाई करेगा कि ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड, ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड, और वन भी जेड में है तो ए प्लस बी प्लस वन इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, सो वन ए प्लस बी प्लस वन बिलोंग्स टू जेड। मतलब जेड से अगर आप बहुत सारे भी एलिमेंट लोगे लोगे तो उनका जो एडिशन होगा वो जेड में होगा। ये आपको थोड़ा सा छोटा सा चीज़ एक याद रखना है, इसलिए मैंने ये लिख पाया कि ए बिलोंग्स टू जी जेड, बी बिलोंग्स टू जेड, इसके लिए ए प्लस बी प्लस वन बिलोंग्स टू जेड। और इसकी मेन कॉज है कि जेड एक्चुअली प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, इसीलिए हम ये लिख पाए। तो ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड, इम्प्लाई करेगा कि ए प्लस बी प्लस वन बिलोंग्स टू जेड। और ये इम्प्लाई कर रहा है, अगर आप देखो ए नॉट बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस वन है, तो इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं, तो ए नॉट बी बिलोंग्स टू जेड, सो ए बिलोंग्स टू जेड और बी बिलोंग्स टू जेड, ये इम्प्लाई कर रहा है कि ए नॉट बी बिलोंग्स टू जेड। देयर फॉर हम कह सकते हैं कि जेड जो है, जेड इज क्लोज्ड अंडर नॉट। ओके, नेक्स्ट वाला करते हैं। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था हमारा, सेकेंड वाला जो, इसको मैं थोड़ा सा पार्ट वन पार्ट टू में डिवाइड करता हूँ कि हमें फोर्थ जो कंडीशन दिखाना है उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर नहीं है कि पहले हम पहले वाली जो कंडीशन था वो ये फॉलो कर रहा है, अब सेकेंड वाली कंडीशन की तरफ जाते हैं। सेकेंड में था हमारा एसोसिएटिव वाला प्रॉपर्टी। सो तीन एलिमेंट लेंगे हम ए बी सी, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, नाउ ए नॉट बी नॉट सी, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, ए नॉट बी नॉट सी, इसकी वैल्यू है ए नॉट, बी नॉट सी का वैल्यू क्या होगा, बी नॉट सी, अब देखो यहाँ पर ए नॉट बी का वैल्यू है ए प्लस बी प्लस वन, सो बी नॉट सी का वैल्यू होगा बी प्लस सी प्लस वन, ओके, अब इसकी क्या वैल्यू होगा ए नॉट, अब इसको तो समझो बी, ए नॉट बी का मतलब क्या है, ए नॉट ए प्लस बी प्लस वन, सो ए प्लस वन मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस वन प्लस वन, ओके, इसको अगर आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये ऐड होके कुछ ऐसा होगा, ए प्लस बी प्लस सी और ये वाला प्लस वन और ये वाला प्लस वन ऐड होके हो जाएगा प्लस टू, ओके। तो अब यहाँ पर और एक करते हैं कि ए नॉट बी ये पहले करते हैं और सी, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ए नॉट बी ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस वन, ओके, एंड नॉट सी, अब इसको समझो ए, तो ए नॉट सी होगा ए प्लस सी प्लस वन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस वन ए प्लस सी और प्लस वन, ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे और एडिंग कर देंगे इनसे तो हमें मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस, एक बार ब्रैकेट को ओपन करते हैं, सी प्लस वन, तो सी को इस तरफ लाते हैं ए प्लस बी प्लस सी और वन ये दोनों ऐड हो गए हो जाएगा टू। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ए नॉट बी नॉट सी, मतलब बी नॉट सी पहले करके जो हमें वैल्यू मिला, ए नॉट बी पहले करके हमें एक ही वैल्यू मिला, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए नॉट बी नॉट सी इक्वल्स टू ए नॉट बी नॉट सी, सो नॉट इज एसोसिएटिव ऑन
जेड, तो नॉट एसोसिएटिव भी हुआ है, तो सेकेंड रूल भी जो है ये फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं कि और दोनों करता है कि नहीं। तो इसके बाद आप कह सकते हो कि हमें पता है कि सेमी ग्रुप का क्या कंडीशन था, ये दोनों कंडीशन सेमी ग्रुप के लिए था। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि बताओ ये सेमी ग्रुप है कि नहीं, तो इतने में आप कह सकते हो कि हाँ जेड नॉट एक सेमी ग्रुप है। सो यहाँ पर अगर यहाँ पर दिया हुआ होता कि एग्जामिन इफ द फॉलोइंग सिस्टम्स आर सेमी ग्रुप्स, देन यहाँ पर आप आंसर आप लिख सकते थे कि जेड नॉट इज ए सेमी ग्रुप, देयर फॉर जेड नॉट इज ए सेमी ग्रुप। तो अब थर्ड कंडीशन में जाते हैं। थर्ड कंडीशन क्या था कि इनमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं उस सेट में, तो देखेंगे। लेट अस एग्जामिन इफ जेड कंटेन्स एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो इससे ऊपर में एक चीज आप लिख दो यहां पर कि लेट ए बिलोंग्स टू जेड, ए बिलोंग्स टू जेड। ओके, थर्ड वाला जो कंडीशन था हमारा उसको प्रूव करने से पहले आप ये लिख दो कि लेट ए बिलोंग्स टू जेड, उसके बाद लिखो कि लेट अस एग्जामिन इफ जेड कंटेन्स एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई सच दैट ए नॉट ई इक्वल्स टू ई नॉट ए इक्वल्स टू ए। ओके, तो ऐसे ही लिखना है आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लेट मतलब हमने क्या लिखा कि एक ए जेड में बिलोंग करता है, कोई भी एक ए एलिमेंट। लेट अस एग्जामिन इफ जेड कंटेन्स एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई, मतलब चलो कि देखते हैं इफ की जेड एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट ई कंटेन करता है कि नहीं जिसके लिए ए नॉट ई और ई नॉट ए इक्वल्स टू ए होगा। ओके, ये हमको लिखना है। और इसके बाद चलो देखते हैं। सो ए नॉट ई इक्वल्स टू ए इम्प्लाई करेगा, तो इसकी भी वैल्यू ए है और इसकी वैल्यू ए है, तो यहाँ से हम ई की जो है वैल्यू निकालेंगे। ए नॉट ई इक्वल्स टू ए ये इम्प्लाई करेगा। अब देखो ए नॉट ई का मतलब क्या है, ए नॉट बी का मतलब है ए प्लस बी प्लस वन। सो ए नॉट ई का मतलब होगा ए प्लस ई प्लस वन। ओके, इक्वल्स टू ए ये इम्प्लाई करेगा। इक्वल्स टू क्या होगा, आप देख सकते हो कि ये वाला ए को अगर हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, तो इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस वन। ओके, एंड ई नॉट ए इक्वल्स टू ए, मतलब ये सेकेंड वाला कंडीशन इसको हम लेते हैं, ई नॉट ए इक्वल्स टू ए ये इम्प्लाई करेगा बी नॉट ए क्या इम्प्लाई करेगा, बी प्लस ए प्लस वन। सो ई नॉट ए इम्प्लाई करेगा ई प्लस ए प्लस वन, राइट साइड में ए है हमारा ए। अब देखो सेम ए ए जो है कट जाएगा अगर ए को हम राइट साइड में ले जाएंगे, ए माइनस इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। सो फिर वन अगर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो धीरे धीरे, तो ई का वैल्यू हमें मिल चुका है माइनस वन दोनों केस में। सो माइनस वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड, तो यहाँ से हमें ई का वैल्यू मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि माइनस वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड। माइनस वन जेड में है। अगर कुछ ऐसा आ जाता, सोचो कि अगर ये ई ई का वैल्यू कोई रैशनल नंबर आ जाता, कोई रैशनल नंबर, हमें पता है कि जेड जो एक इंटीजर का सेट है वो कोई रैशनल नंबर कंटेन नहीं करता, तो उस केस में हम कह सकते थे कि ई का तो एक वैल्यू रैशनल मिला है हमें, लेकिन जेड तो कोई रैशनल वैल्यू कंटेन ही नहीं करता, तो रैशनल नहीं करेंगे, कहेंगे फ्रैक्शन कहेंगे। रैशनल थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया यहाँ पर कि रैशनल वैल्यू, एक्चुअली वो फ्रैक्शन वैल्यू होगा जो जो जेड में बिलोंग नहीं करता, या फिर कोई इरेशनल वैल्यू रूट टू थ्री ऐसे कुछ। अगर ई का वैल्यू कुछ ऐसा आ गया जो जेड में नहीं हो सकता, उस केस में हम कह सकते हैं कि जेड डज नॉट कंटेन एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। सिंस जेड एक इंटीजर का सेट है तो माइनस वन जेड में है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू जेड, बिलोंग्स टू जेड ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। सो माइनस वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड। तो फोर्थ वाला कंडीशन अभी चेक करते हैं। तो थर्ड तक ये हो गया है। सो फिर से एक ही ऐसे ही करेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू जेड, लेट अस एग्जामिन
इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए डैश इन जी जेड, ओके जेड हमें दिया हुआ है, जी का वैल्यू जेड है. लेट अस एग्जामिन इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए डैश इन जेड सच दैट ए नॉट ए डैश इक्वल्स टू ए डैश नॉट ए इक्वल्स टू ई. सेम तरीके से करेंगे, सो ए नॉट ए डैश इक्वल्स टू ई, ये इम्प्लाई करेगा कि ए प्लस ए डैश प्लस वन इक्वल्स टू, आप ई का वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हो, ई की जगह पर आप आइडेंटिटी एलिमेंट को लिख सकते हो, आइडेंटिटी एलिमेंट ई का वैल्यू हमें मिल चुका है माइनस वन. सो ए नॉट ए डैश इक्वल्स टू माइनस वन इम्प्लाई करेगा लेफ्ट साइड में क्या है, ए नॉट ए डैश, ए नॉट बी का वैल्यू था ए प्लस बी प्लस वन, तो ए नॉट ए डैश होगा ए प्लस ए डैश प्लस वन, ए प्लस ए डैश प्लस वन इक्वल्स टू माइनस वन. ये इम्प्लाई करेगा कि ए प्लस ए डैश इसकी वैल्यू क्या होगा, आप इसको राइट साइड में ले जाओ तो माइनस टू हो जाएगा. इम्प्लाई करेगा ए डैश का क्या वैल्यू होगा, ए को भी माइनस इस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस माइनस ए माइनस टू, माइनस ए माइनस टू. आप एक चीज देखो यहाँ पर, क्योंकि माइनस टू, क्योंकि जेड तो एक इंटीजर का सेट है, कोई भी माइनस जो एलिमेंट वो भी जेड में लाई करेगा, बिलोंग करेगा, तो ये भी जेड में बिलोंग करेगा. आप देख लो ठीक से कि ये जेड में बिलोंग करेगा या नहीं, ऑफ कोर्स करेगा. एंड ए डैश नॉट ए, ए डैश नॉट ए इक्वल्स टू माइनस वन. एक बार हम ये वाला कंडीशन ले रहे हैं और एक बार ये वाला, ओके. तो ए डैश नॉट ए इक्वल्स टू माइनस वन ये इम्प्लाई करेगा कि ए डैश प्लस ए प्लस वन इक्वल्स टू माइनस वन. तो यहाँ से डायरेक्टली आप कर सकते हो कि ए डैश की जो वैल्यू होगा, ए इस तरफ जाए तो माइनस है और ये वाला वन इस तरफ जाए तो माइनस टू बिलोंग्स टू जेड. एक चीज आप ध्यान से देख लो यहाँ पर, जो ए डैश की वैल्यू होगा वो सेम होने वाला है दोनों में ही. यहाँ पर भी जो ई का वैल्यू हुआ वो दोनों केस में सेम हुआ, ठीक है. तो दोनों से हमें पता चलता है कि ए डैश की वैल्यू है ए माइनस ए माइनस टू. सो यहाँ से हम कह सकते हैं माइनस ए माइनस टू इज द इनवर्स ऑफ ए. सो यहाँ पर मैं आंसर लिखता हूँ, सो माइनस ए माइनस टू इज द इनवर्स ऑफ ए. सो ईच एलिमेंट इन जेड हैज इनवर्स, देयरफॉर जेड नॉट इज ए ग्रुप. तो यही था क्वेश्चन का आंसर, ऐसे ही करना है बार बार. तो एक और क्वेश्चन हमने ले लिया है जहां पर आर नॉट वेयर ए नॉट बी इक्वल्स टू टू ए प्लस बी, कुछ ऐसे डिफाइन है हमारा नॉट, और जहां पर ए बी कहाँ बिलोंग करता है, आर मतलब रियल नंबर की जो सेट है उसमें बिलोंग करता है. तो सेम प्रोसेस है, एक ही तरीके से हम करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, कि लेट ए नॉट बी ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए नॉट बी इक्वल्स टू क्या होगा टू ए प्लस बी. अब देखो क्योंकि ए बी बिलोंग करता है आर में, तो उसका जो एडिशन होगा, ये वाला जो एडिशन था पहले, वो भी बिलोंग करेगा आर में, और उसके साथ आप कोई भी इंटीजर अगर आप उसे मल्टीप्लाई भी करो तो भी वो आर में बिलोंग करेगा. सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, ये इम्प्लाई करेगा टू ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर. और यहाँ पे आप कह सकते हो कि ए नॉट बी भी जो है वो बिलोंग करेगा आर में. सो ए बी बिलोंग्स टू आर, ये इम्प्लाई करता है कि ए नॉट बी बिलोंग्स टू आर. सो आर इज क्लोज्ड अंडर नॉट, ओके. नॉट के अंडर में आर क्या है, क्लोज्ड है. सेकेंड, अगर ये फर्स्ट वाला कंडीशन जो है ये प्रूव हो गया, आप सेकेंड वाला देखते हैं कि सेकेंड वाला क्या था, एसोसिएटिव वाला प्रॉपर्टी. तो हम तीन एलिमेंट लेंगे आर से, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर. नाउ क्या करेंगे, ए नॉट बी नॉट सी,
तो पहले इसकी वैल्यू देख लेते हैं, नॉट बी नॉट सी। सो ए नॉट बी नॉट सी का मतलब क्या है, बी नॉट सी ए नॉट बी मतलब टू, मतलब टू इन टू इन दोनों का एड एडिशन ए प्लस बी। सो यहाँ पर बी नॉट सी होगा टू इन टू बी प्लस सी। ओके अब देखो ए नॉट ये इसको हम समझ लेते हैं कि एक्स है कोई। सो ए नॉट एक्स मतलब टू इन टू ए प्लस एक्स। तो यहाँ पर ये हो जाएगा टू इन टू ए प्लस ये पूरा का पूरा ए प्लस टू ए प्लस हम इसको ऐड कर देते हैं टू बी प्लस टू सी। ओके ए प्लस टू बी टू सी और इस दो से भी हमें सबको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा टू ए प्लस टू इंटू टू मतलब फोर बी प्लस टू इंटू टू मतलब फोर सी। ये आ गया हमारा ए नॉट बी नॉट सी। ओके अब नेक्स्ट वाला करते हैं यहाँ पर कि ए नॉट बी ये पहले करके उसके साथ सी का करते हैं। तो ए नॉट बी का वैल्यू क्या होगा, टू ए प्लस बी नॉट सी। अब इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हो, टू ए प्लस टू बी नॉट सी। ओके इक्वल्स टू क्या होगा, अब फिर से करो इसको, अब समझो कोई ए है तो ए नॉट सी होगा ए प्लस टू इंटू ए प्लस सी। सी हो जाएगा टू इंटू ये टोटल ये प्लस ये टू इंटू टू ए प्लस टू बी प्लस सी। अब इस टू से सबको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा फोर ए प्लस फोर बी प्लस टू सी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फोर बी तो कॉमन है लेकिन यहाँ पर टू ए था और यहाँ पर फोर ए हो गया और यहाँ पर फोर सी था, यहाँ पर हो गया टू सी। तो ये दोनों एकदम आइडेंटिकल नहीं है कि हम कह देंगे सो ये इक्वल्स टू ये है सो नॉट इज एसोसिएटिव। दोनों आइडेंटिकल अगर ना हो, आइडेंटिकल मतलब पूरा पूरा सेम एकदम, टू ए और फोर ए कभी सेम नहीं हो सकता, टू ए फोर है यहाँ पर, फोर सी टू सी सेम नहीं हो सकता। तो कुछ डिफरेंस अगर इनमें है तो हम कह नहीं सकते कि ये दोनों एकदम इक्वल है। सो हम कहेंगे अभी, सो हम कहेंगे अभी ए नॉट बी नॉट सी मे नॉट इक्वल्स टू इक्वल्स टू ए नॉट, ओके ए नॉट बी नॉट सी मे नॉट इक्वल टू ए नॉट बी नॉट सी मतलब ये। तो ये दोनों सेम नहीं भी हो सकते हैं, ए नॉट बी नॉट सी मे नॉट इक्वल टू ए नॉट बी नॉट सी। तो अगर जिन केस में ये हो गया कि ये इक्वल नहीं हो सकता, तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे करते हैं हम, अब तीन नंबर्स लेंगे उसी सेट से और दिखाएंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो तीन नंबर लेते हैं यहाँ से कि दो तीन और चार, टू थ्री फोर बिलोंग्स टू रियल नंबर की जो सेट है आर, टू थ्री फोर जो है वो बिलोंग करता है आर में, हमें पता है। अब दिखाएंगे कि वो दोनों सेम नहीं है। नाउ टू नॉट थ्री नॉट फोर ये पहले कर लेते हैं, टू नॉट थ्री नॉट फोर क्या होगा, टू नॉट थ्री फोर मतलब उस वाले से आप कंपेयर करो ए नॉट बी क्या था, ए नॉट बी था ए नॉट बी था टू इंटू ए प्लस बी। ओके सो थ्री इंटू फोर, थ्री नॉट फोर क्या होगा, टू इंटू थ्री प्लस फोर। तो हम इसे सॉल्व करते जाएंगे, थ्री प्लस फोर इक्वल्स टू सेवन, सेवन इंटू टू मतलब फोर्टीन। इसे डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर, थ्री प्लस फोर इक्वल्स टू सेवन, सेवन इंटू टू इक्वल्स टू फोर्टीन। ओके सो टू नॉट फोर्टीन क्या होगा, टू इंटू टू प्लस फोर्टीन इक्वल्स टू टू इंटू फोर्टीन प्लस टू इज सिक्सटीन इक्वल्स टू 32। एंड 203 ये पहले करके उसके साथ फोर से करते हैं तो इसकी वैल्यू देखेंगे, 203 क्या होगा, टू इंटू टू प्लस थ्री नॉट फोर। इसकी क्या वैल्यू होगा, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव इंटू टू टेन, सो टेन नॉट फोर। इसकी क्या वैल्यू होगा, टेन नॉट फोर इज टू इंटू टेन प्लस फोर, टू इंटू टेन प्लस फोर होता है 14, सो ये हो गया 28। तो इस केस में हमने देखा कि 32 इज नॉट इक्वल्स टू 28 सबको पता है। तो हमने देखा कि ये इक्वल नहीं है, सो हम कह सकते हैं यहाँ पर सो ए नॉट बी नॉट सी नॉट इक्वल्स टू ए नॉट बी नॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू
आर। ओके, ये सभी के सभी जितने भी मतलब एलिमेंट आर में है उन सब के लिए ये ट्रू नहीं है। सो थर्ड वाला जो सेकंड वाला जो कंडीशन था हमारा एसोसिएटिव वाला, वो यहाँ पर फेल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सेमी ग्रुप भी नहीं है और ग्रुप भी नहीं है। सो आर नॉट इज नॉट ए ग्रुप, इज नॉट ए ग्रुप। आर नॉट इज नॉट ए ग्रुप क्योंकि ये जो एसोसिएटिव वाला रूल था हमारा उसे भी फॉलो नहीं करता। हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि अगर कोई भी एक उनमें से फॉलो नहीं होता कंडीशन, तो हम कह सकते हैं कि जो दिया हुआ है वो एक्चुअली में एक ग्रुप नहीं है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था, ये दोनों क्वेश्चन। और मैं इस डिस्क्रिप्शन में इस जो क्वेश्चन इस ये जो वीडियो था इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको एक ड्राइव लिंक दे दूंगा क्वेश्चन के लिए, तो उसको आप देख सकते हो। सिमिलर क्वेश्चन है, आप सेम तरीके से वो क्वेश्चंस कर सकते हो। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम कोई अच्छी सी क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट वाली कोई टॉपिक लेके, इस वाली जो चैप्टर हमारा हो रहा है ग्रुप थ्योरी में। सो मिलते हैं अगली कोई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।